नमस्कार, मैं हूं प्रिया। पटना खबर में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं राजधानी पटना की फटाफट 11 खबरों को। देश भर में सबसे आधुनिक होगा पटना का तारामंडल। आने वाले दिनों में पटना का तारामंडल और ज्यादा एडवांस होने वाला है, क्योंकि इसको आधुनिक बनाने की योजना के साथ बिहार सरकार काम कर रही है। इतना ही नहीं, बिहार को तो जल्द ही दूसरा तारामंडल भी मिलने वाला है। दूसरा तारामंडल बिहार को सरकार की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार दरभंगा तारामंडल मिलेगा, जिसका काम जारी है, वो भी जल्द पूरा हो जाएगा। वहीं 640 करोड़ से साइंस सिटी भी बनाई जा रही है। इस साल तक इसका काम भी पूरा होने की उम्मीद है, जिसकी जानकारी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री सुमित कुमार सिंह ने बजट सत्र के मौके पर विभाग में एक साल पूरा होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी है। पटना DDU खंड पर हाई स्पीड ट्रेन चलाने की तैयारी। पूर्व मध्य रेलवे बिहार में बुलेट ट्रेन समेत अन्य हाई स्पीड ट्रेन चलाने की तैयारी में है। इसके लिए ही जहां एक ओर रेलवे ट्रैक को अपग्रेड किया जा रहा है, वहीं आरा जंक्शन से होते हुए DDU जंक्शन से लेकर झाझा स्टेशन तक की रेल पटरी के दोनों तरफ 6 फीट ऊंची बाउंड्री बनाने का काम हो रहा है। वर्तमान समय की बात करें तो अभी रघुनाथपुर से बिहिया तक पटरियों के किनारे दीवार का निर्माण कराया जा रहा है। DDU से झाझा के बीच रेलवे ट्रैक के दोनों ओर बाउंड्री बनाने का काम इस साल दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। उसके बाद बनारस से हावड़ा तक बुलेट ट्रेन और वंदे भारत एक्सप्रेस समेत सभी सुपरफास्ट ट्रेन अपनी रफ्तार से दौड़ सकेंगी। पटना वुमेन्स कॉलेज UGC के मापदंड में मिला योग्य। बिहार की राजधानी पटना के चुनिंदा मशहूर कॉलेज में एक नाम पटना वुमेन्स कॉलेज का भी है। कोरोना काल में पढ़ाई व्यवस्था ऑनलाइन हो गई थी। पटना वुमेन्स कॉलेज में भी कक्षाओं का संचालन ऑनलाइन माध्यम से ही हो रहा था, जिसको देखते हुए ही आयोग ने विभिन्न कॉलेज को ऑनलाइन कोर्स संचालन की मंजूरी देने का अब फैसला लिया है। यानी कि ऑनलाइन पाठ्यक्रम की शुरुआत की अनुमति कॉलेज को भी दी जाएगी। हैरानी की बात ये रही है कि इसके लिए आयोग की तरफ से निर्धारित क्राइटेरिया में राज्य का सिर्फ पटना वुमेन्स कॉलेज ही योग्य कॉलेज की कैटेगरी में है, जिसे ऑनलाइन कोर्स शुरू करने के रास्ते में कोई बाधा नहीं आएगी। पटना में कोरोना के मामलों में जारी है स्थिरता। बिहार समेत पूरे देश में कोरोना की तीसरी लहर अब थमती नजर आ रही है। कोरोना काल में हॉटस्पॉट बनी पटना का भी ऐसा ही हाल है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए गए आंकड़े के अनुसार बिहार की राजधानी पटना में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 10 मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं बिहार भर में 50 मामले पॉजिटिव पाए गए हैं, जो कि 1,24,967 सैंपल की जाँच के बाद आए हैं। पटना से आने जाने वाले हवाई यात्रियों की संख्या में हुआ इजाफा। कोरोना की लहर में जहां एक तरफ हवाई यात्रियों की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, वहीं दूसरी तरफ तीसरी लहर खत्म होने से पटना से आने जाने वाले हवाई यात्री दोगुने हो गए हैं। एयरपोर्ट की तरफ से साझा की गई रिपोर्ट के अनुसार तीसरी लहर के दौरान सोमवार से शुक्रवार तक आने जाने वाले हवाई यात्रियों की संख्या 2,500 से 3,000 के बीच हुआ करती थी, और शनिवार, रविवार और अन्य छुट्टी के दिनों को इनकी संख्या बढ़ाकर हर दिन 12,000 के आसपास रह रही है, जिससे विमानों के परिचालन पर भी सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है। पटना बेउर जेल में बंद कैदियों का अब अलग होगा ठिकाना। बिहार के जेलों में बंद नक्सलियों के नाम पर वसूली की जानकारी इन दिनों लगातार निकल कर के सामने आ रही है। यही कारण है कि बिहार की राजधानी पटना में बंद कई कैदियों को कहीं और शिफ्ट करने की योजना के साथ काम हो रहा है। NIA द्वारा पुलिस विभाग को मिली सूचना के अनुसार बेउर जेल में बंद 15 कुख्यात अपराधियों को भागलपुर जेल में शिफ्ट किया जाएगा। आपको बता दें, हाल ही में NIA को ऐसी जानकारी मिली थी, जिसमें ये कहा गया है कि बिहार के जेलों में बंद कुख्यात द्वारा अपने गुर्गों की मदद से कई आपराधिक घटनाएं घटित करवाई जा रही हैं। पटना से यूपी जाना होगा आसान। आने वाले दिनों में पटना से यूपी का सफर अब आसान होने वाला है, क्योंकि बिहार में निर्माणाधीन तमाम सड़कों का निर्माण कार्य पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे कि बिहार के एक जिले से दूसरे जिले में जाना आसान तो होगा ही, साथ ही बिहार के पड़ोसी राज्य में भी जाना आसान हो जाएगा। वहीं कोइलवर से बक्सर के बीच बन रहे 4-लेन सड़क के बन जाने के बाद पटना से आरा, बक्सर के अलावा उत्तर प्रदेश तक पहुँचना आसान हो जाएगा। इस सड़क का निर्माण हो जाने के बाद आर्थिक विकास को गति मिलेगी। सब जूनियर नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप के लिए रवाना हुई पटना की टीम। 37वीं सब जूनियर नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप को लेकर बिहार के खिलाड़ियों ने कमर कस ली है, जिसका ही आयोजन आज से यानी कि 27 फरवरी से 3 मार्च 2022 तक लखनऊ, उत्तर प्रदेश में होने वाला है। सबसे खास बात यह है कि इस चैंपियनशिप में बिहार की टीम भी हिस्सा ले रही है, जिसको लेकर ही सब जूनियर नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप के लिए बीते दिन ही पटना की टीम रवाना हो गई थी। इसको लेकर ही बिहार की टीम भी जोर आजमाइश करती हुई दिखाई देने वाली है।
ताजमहल दिखा, अब पटना में। बात ताजमहल की होगी तो आप भी सोचेंगे कि आगरा की बात हो रही है, लेकिन अगर कोई आपसे ये कहे कि ताजमहल यहाँ बिहार की राजधानी पटना में है तो आप भी दो मिनट के लिए ज़रूर चौंकेंगे, लेकिन ये सच है। तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब से लगभग 50 गज की दूरी पर गंगा जाने वाले मार्ग पर गुमनामी के अंधेरे में एक ताजमहल है। जानकारी के अभाव से मार्ग से गुजरने वाले लोगों को भी पता नहीं चलता कि यहाँ चार दीवारी की मजार में शाहजहां की साली और मुमताज महल की बड़ी बहन मलिका सोई हैं। हालांकि चार दीवारी होने के कारण वो चाहकर भी दर्शन नहीं कर पाते हैं। IGIMS के निदेशक की हुई नियुक्ति। पटना IGIMS में बीते दिन नए निदेशक की नियुक्ति हो गई, जिसके तहत ही नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विभूति प्रसन्न सिन्हा को इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान का निदेशक बनाया गया है। इसको लेकर बीते दिनों ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आदेश जारी किया गया, जिसके तहत ही अब IGIMS के निदेशक का प्रभार डॉक्टर विभूति प्रसन्न सिन्हा को दिया गया है। पदभार संभालने के बाद डॉक्टर विभूति ने कहा कि अस्पताल में आने वाले मरीजों को इलाज कराने और ठीक होकर वापस अस्पताल छोड़ने तक कोई परेशानी ना हो, इस पर काम किया जा रहा है। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव आज 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 46,450 रुपये है, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 50,650 रुपये है। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 64,000 रुपये है। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 105.93 रुपये प्रति लीटर और डीजल के दाम 91.09 रुपये प्रति लीटर है। वहीं अगर आज हम तापमान की बात करें तो अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस है, वहीं न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार राजधानी पटना का सबसे बेहतरीन कॉलेज कौन सा है? अपने जवाब में कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके साथ ही पटना की बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।